दोस्तों वर्ल्ड कप खत्म हुए करीब 10 दिन हो गए हैं, मगर उसका असर अभी तक दिख रहा है। सिलेक्शन कमेटी वाइप आउट हो रही है, हार्दिक को T20 का ऑल टाइम कैप्टन बनाने की बात चल रही है, बड़े प्लेयर्स पर सवालिया निशान है और न्यूजीलैंड टूर पर गए प्लेयर्स पर निगाहें गड़ी हुई हैं। जबकि भारतीय क्रिकेट के अलावा इस हफ्ते वर्ल्ड क्रिकेट में भी बहुत कुछ हुआ, इसलिए बिना वक्त गवाए हफ्ते भर की क्रिकेट की खबरों का बढ़िया सफर शुरू करते हैं क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के एक और एपिसोड के साथ। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपने पहले सेगमेंट से। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो बीसीसीआई का सिलेक्शन कमेटी का वाइप आउट करना ही रहा। बीसीसीआई में सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड कर अब नई शुरुआत के लिए सिलेक्टर्स की तैयारी शुरू कर दी है। क्वालिफाइड क्रिकेटर्स को 28 नवंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट मिली। इस मामले पर हमने और भी बातें क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में कल के एपिसोड में की है, इसलिए कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस हफ्ते की एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से भी आई, जहां 2018 बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद से लीडरशिप बैन झेल रहे डेविड वार्नर के इस बैन पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा विचार करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद वार्नर ने कहा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, एक मौका चाहता हूं बस, इस प्रोसेस ने मुझे बुरी तरह थका दिया। खैर, अब उम्मीद है कि वार्नर की मुसीबत कम हो और वो जल्द ही एक कप्तान की जिम्मेदारी में भी दिखे। इन बड़ी खबरों के बाद अब चलते हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान स्क्वाड ने भी बहुत चर्चा बटोरी। दरअसल हुआ ये कि सिलेक्टर्स ने इधर इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस की, उधर उनका मजाक उड़ने लगा, जिसकी मेन वजह रहा सिर्फ दो फेलियर्स के बाद टीम से फवाद आलम को बाहर करना। वो फवाद आलम जिन्हें दूसरा मौका देने में ही 10 साल लग गए थे, अब चंद फेलियर्स के बाद बाहर कर दिया गया, जबकि हसन अली और यासिर शाह जैसे बड़े नाम भी ड्रॉप किए गए। वैसे पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने अबरार अहमद और मोहम्मद अली जैसे युवा खिलाड़ियों को भी डेब्यू कॉल दी है। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट में इंग्लैंड के सामने कैसा करती है, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल की हार की आग अभी उनके फैंस के दिल में जल रही है। जल्द ही शुरू होने वाली अफगानिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। इस स्क्वाड में नाइब और नूर की वापसी हुई है, जबकि हसमतुल्लाह शहीदी टीम लीड करेंगे। इस वनडे सीरीज पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का श्रीलंका में बढ़िया प्रदर्शन दूसरी टीमों को भी एसोसिएट नेशंस के साथ खेलने के लिए मोटिवेट करेगा। दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में रेप का आरोप झेल रहे धनुष्का गुणाथिल्का की बेल की अपील रद्द हो गई थी, मगर इस हफ्ते उनकी बेल ग्रांट हो गई है। हालांकि वो भी एक रेप के आरोपी माने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें टिंडर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स से दूर रहने के लिए कहा गया है और वो अब भी कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में ही निगरानी में रहेंगे। जैसा हमने पहले ही बताया कि जल्द ही इंग्लैंड का पाकिस्तान टूर शुरू हो जाएगा, इसके लिए पाकिस्तान में जमकर तैयारियां चल रही हैं। सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर हॉस्पिटैलिटी सबका ध्यान रखा जा रहा है, जबकि इंग्लैंड इस बार अलग तैयारी के साथ आ रहा है। इस बार इंग्लिश टीम अपने साथ एक शेफ भी लेकर आ रही है, जो प्लेयर्स के हिसाब से खाना बनाएगा, क्योंकि उन्हें पिछली बार खाना पसंद नहीं आया था। लीजिए, वर्ल्ड कप के खराब खेल का इफेक्ट अब वेस्टइंडीज क्रिकेट में दिखना शुरू हो गया है। निकोलस पूरन ने व्हाइट बॉल कैप्टेंसी छोड़ दी है और बतौर प्लेयर टीम को 100% देने की बात कही है। इसके अलावा लारा और आर्थर की अगुवाई वाली एक कमेटी हार की जांच भी कर रही है। इस हफ्ते आईपीएल से भी कुछ जरूरी अपडेट्स आई, जिसमें पोलार्ड, केन, मयंक और ब्रावो को उनकी फ्रेंचाइजी का रिलीज करना था। खासकर केन विलियमसन को हैदराबाद के रिलीज करने पर बहुत लोगों को हैरानी हुई, जबकि पंजाब खेमे ने वसीम जाफर को बतौर बैटिंग कोच अपॉइंट कर अपनी तैयारी की तरफ एक और स्टेप बढ़ाया। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के 2 मैच खेले गए, जिनमें से एक मलान के शानदार शतक के बावजूद इंग्लैंड हारा, तो दूसरा स्टार के जबरदस्त स्पेल के चलते। इस तरह इंग्लैंड 2-0 से सीरीज में पीछे हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने अजीय बढ़त बना ली है। इस हफ्ते इंडिया और न्यूजीलैंड T20 सीरीज भी शुरू हुई, जिसका पहला मैच बारिश में धुलने के बाद स्काई के शानदार शतक के दम पर इंडिया ने दूसरा T20 मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। क्योंकि तीसरा T20 मैच इस वीडियो के आने के बाद खेला जाएगा, इसलिए इस सीरीज के रिजल्ट पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको विमेंस क्रिकेट में चल रही पाकिस्तान और आयरलैंड T20 सीरीज के बारे में दूसरे मैच में 1-1 के स्कोर तक ही बताया था, जिसके बाद सबको उम्मीद थी कि आसानी से पाकिस्तान टीम आयरलैंड से मैच जीतकर सीरीज जीत लेगी, मगर ये दौर तो अपसेट और हिस्ट्री बनने का है। मेंस टीम के बाद विमेंस टीम ने भी हिस्ट्री क्रिएट की और पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच में उन्हीं के घर में हरा कर ऐतिहासिक सीरीज जीत हासिल की। इस हफ्ते एक सीरीज नेपाल में भी खेली गई, जहां यूएई और नेपाल ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में बेहतरीन खेल दिखाया। यूएई सीरीज में पहले मैच के बाद 1-0 से आगे थी, मगर इसके बाद नेपाल ने अपने होम एनवायरनमेंट का सही फायदा उठाते हुए दोनों मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया।
उधर ऑस्ट्रेलिया में चल रही विमेंस बिग बैश लीग के 56 ग्रुप राउंड खत्म हो गए हैं। इन 8 टीमों के बीच करीब 1.5 महीने तक चले कड़े बैटल में ब्रिस्बेन हीट, होबार्ट हरिकेन्स, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स की महिला टीमें टॉप पर रहीं, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स बेस्ट टीम थी इसलिए वो सीधे फाइनल में है, जबकि बची 3 टीमों में से कोई एक क्वालिफायर और एलिमिनेटर खेलकर फाइनल में पहुंचेगा। अब बात करते हैं घरेलू क्रिकेट की, जहां विजय हजारे ट्रॉफी में प्लेयर्स अपना खूब दम दिखा रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने तक करीब हर टीम ने 6 मैच खेल लिए हैं, जिसमें ग्रुप ए से सौराष्ट्र, ग्रुप बी से कर्नाटका, ग्रुप सी से तमिलनाडु, ग्रुप डी से पंजाब और ग्रुप ई से महाराष्ट्र की टीमें टॉप पर है। वैसे अब तक विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत से शानदार प्रदर्शन हुए हैं, मगर यंग जगदीशन के 277 रनों ने सभी को फीका साबित किया है। जगदीशन का ये 277 रन अब लिस्ट ए यानी 50 ओवर के ऑफिशियल क्रिकेट में एक बैटर का बेस्ट स्कोर है। तो दोस्तों, हमारे क्रिक माइंड वीकली रिमाइंड के इस एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की है जो थोड़ा हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिक माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं, वहाँ हम डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी इस नई सीरीज पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई क्रिस्पी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।